नमस्कार, R9 टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि आज DC के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के आज चुनाव है, जिसमें करीब 1,30,000 जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। ABVP और NSUI, ये दो बड़ी पार्टियां रहती हैं मैदान में, तो मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि 1,30,000 जो बच्चे हैं किस पार्टी को चुनते हैं। चार पदों पर दरअसल ये चुनाव होते हैं, अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर, महासचिव पर और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर। पिछली बार की अगर बात करें तो 3 सीटें ABVP के पास थी और 1 सीट NSUI के खाते में गई थी, लेकिन अब मुद्दे चूंकि बदल चुके हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन के मुद्दे कुछ और होते हैं, विश्वविद्यालय के मुद्दे कुछ और होते हैं, मसलन रियायती पास दिलवाना, महिला की सुरक्षा, महिला हॉस्टल्स। लेकिन इस बार देखना ये बड़ा जरूरी होगा कि मोदी सरकार के 100 दिन पर क्या कुछ वोट किया जाता है, या फिर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उसको लेकर वोटिंग की जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन होते हैं, DC के जो इलेक्शन होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि बाकी देश में क्या कुछ सोच चल रही है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र देश भर से आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि आज DC का चुनाव होने वाला है। अध्यक्ष पद पर अगर ABVP की बात की जाए तो अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर, महासचिव पर योगित राठी, संयुक्त सचिव पर यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर शिवांगी खेरवाल मैदान में होंगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 11 साल बाद कांग्रेस की महिला कैंडिडेट होंगी अध्यक्ष पद पर चेतना त्यागी। इसके अलावा वाम दल का जो संगठन है ISA, उसने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो देखना दिलचस्प होगा। और कल ही आपको बता दें DC के ये जो चारों पद हैं, इन पर नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।